हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम हमारी क्लास ट्वेल्थ की हिस्ट्री की बुक का फर्स्ट जो चैप्टर है ब्रिक बीड्स एंड बोन्स, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर के नाम को देखते हैं, ब्रिक बीड्स एंड बोन। ब्रिक यानी कि ईट, बीड्स यानी कि जो भी गले या फिर हाथ वगैरह में माला पहनते हैं वो, और बोन्स यानी कि हड्डी। और ये चैप्टर मेनली हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में है, हरप्पन सिविलाइजेशन, जिसका दूसरा नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है। ठीक है, इसके बारे में तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो एनसीईआरटी में सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन में दिया गया है हरप्पन सील्स के बारे में, यानी कि हमें हरप्पन सील्स के बारे में बताया गया है कि हरप्पन सील्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले हरप्पन सील्स को इन्होंने बोला है मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन, यानी कि जो हरप्पन या फिर इंडस वाली सिविलाइजेशन है, इसका मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट, यानी कि ये आर्टिफैक्ट किसी और सिविलाइजेशन में नहीं पाया जाता था, बस हरप्पन सिविलाइजेशन में पाया जाता था, वो था हरप्पन सील्स। अब सील्स जहाँ तक आपको याद हो, ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी पाई जाती थी, लेकिन उधर की सील्स में क्या था, वो हरप्पन सील्स से डिफरेंट थी। इस वजह से हरप्पन जो सील्स थी वो सिर्फ हरप्पन सिविलाइजेशन के अंदर पाई जाती थी, इसलिए इन्हें मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट कहा जाता है। ठीक है, अभी एक स्टोन की बनी जाती थी, मेड ऑफ अ स्टोन, उस स्टोन का नाम था स्टीलाइट। जिस स्टोन की बनती थी हरप्पन सील्स, उस स्टोन का नाम है स्टीलाइट। और इन सील्स में होता क्या था, इन सील्स में होता था एनिमल मोटिव्स, यानी कि पिक्चर, यानी कि कोई भी स्टोन ले लिया उन्होंने, उस स्टोन का मान लो एक छोटा सा रेक्टेंगुलर पीस बना दिया, और उस रेक्टेंगुलर पीस पे किसी एनिमल की पिक्चर बना दी। ठीक है, और फिर एनिमल की पिक्चर के साथ साथ कुछ साइंस भी होते थे, साइंस फ्रॉम अ स्क्रिप्ट ऑफ देयर लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज की कोई स्क्रिप्ट थी जिसके साइंस होते थे, जैसे कि हमारी लैंग्वेज है इंग्लिश, तो इसके साइंस क्या होगा, ए बी सी डी ऐसे ऐसे जेड तक, तो ये सारे इंग्लिश लैंग्वेज के साइन हो गए स्क्रिप्ट के। तो वैसे ही इनकी कोई लैंग्वेज थी, उसकी स्क्रिप्ट थी, उसके साइंस थे, जैसे कि उनकी लैंग्वेज के ए बी सी डी, तो वो ये सब लिखते थे। और उनके साइंस अगर देखे जाए तो अभी तक 400 साइंस मिल चुके हैं, और हम उनकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाए हैं, अनडेसिफर्ड उनकी लैंग्वेज अभी तक। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई 400 साइन इतनी आसानी से पढ़े भी नहीं जाए, और उस टाइम पे वो कुछ ऐसे लिख के तो गए नहीं थे इंग्लिश में कि इस लैंग्वेज कैसे पढ़ते हैं वगैरह वगैरह, इस वजह से हम उनकी लैंग्वेज अभी तक समझ नहीं पाए हैं। इस वजह से हम इस हरप्पन सिविलाइजेशन को मेनली अजम्पशंस पे ही जानते हैं, बिल्कुल रियल फैक्ट बेस्ड नहीं पता हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो इसकी जो सील्स थी उसमें एनिमल मोटिव्स होते थे, यानी कि एनिमल्स की पिक्चर होती थी, और साइंस होते थे एक लैंग्वेज में जो कि हमें नहीं पता। ठीक, तो ये सील्स के बारे में इतना ही दिया गया है। उसके बाद में एक बॉक्स में कल्चर के बारे में दिया गया है। अब कल्चर क्या होता है, तो इसमें दिया गया है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो एक टर्म यूज करते हैं कल्चर, जिससे उनका तात्पर्य होता है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कल्चर को वो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स बताते हैं जो कि डिस्टिंक्टिव है, किसमें, स्टाइल में, यानी कि उस जैसी शेप साइज या फिर स्टाइल के ऑब्जेक्ट्स कहीं और नहीं मिलते। ठीक है, और वो एक ही जगह पाए जाते हैं, स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि एक ही ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे कि अगर इंडिया है तो वो चीज इंडिया का कल्चर है तो इंडिया के अंदर ही मिलेगी, इंडिया के बाहर नहीं मिलती। ठीक है, और वो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे है, यानी कि मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मान लो कि बीड्स मिलती थी, अब वो बीड्स इसका कल्चर हो गई क्योंकि इंडस वैली के बाहर नहीं मिलती थी, और डिस्टिंक्टिव टाइप की बीड्स मिलती थी। और फिर जैसे ही इंडस वैली एंड हो जाती है, मान लो कि किसी टाइम पीरियड पे एंड हो गई इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद बीड्स मिलना बंद हो गई, तो बीड्स से कल्चर हो जाएगा क्योंकि इसका स्पेसिफिक टाइम पीरियड है कि भाई इंडस वैली जब तक चली जब तक ये मिलती थी,
जियोग्राफिकल एरिया भी है, यानी कि बस इंडस वैली की एरिया मिलती थी और डिस्टिंक्टिव स्टाइल है, कई और नहीं मिलती थी इसके स्टाइल की, बस एक एक ही टाइप की ब्रीड होती थी, वो बस इंडस वैली में मिलती थी। ठीक है, तो ये हो गया कल्चर, इसकी डेफिनेशन ऐसे दी गई है। ठीक है, तो हरप्पन कल्चर के बारे में बताया गया है इन्होंने, बताया है इन्होंने इस इंट्रोडक्शन में। हरप्पन कल्चर यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स हरप्पन सिविलाइजेशन में मिलते थे, तो हरप्पन कल्चर में इन्होंने बताए हैं कुछ ऑब्जेक्ट जिनके नाम है सील्स, बीड्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स और बेक्ड ब्रिक्स। अब ये सब चीजें बस हरप्पन सिविलाइजेशन में मिलती थी उस टाइम पीरियड के बीच में। तो सील्स तो मैंने बताई दी, हरप्पन सील्स के बारे में, एक स्टोन से बनती है जिसका नाम स्टीलाइट होता है। बीड्स क्या होती हैं, बीड्स गले में जो माला वगैरह पहनते हैं वो बीड्स भी बनती थी। अगर वेट्स क्या होते हैं, उस उधर वेट्स भी बनते थे अलग टाइप की, यानी कि किसी स्टोन के इक्वल साइज के बहुत सारे पीसेस बांट दिए, फिर उन्हें वेट बढ़ा दिए, फिर उससे ट्रेड वगैरह करने में जब वेट नापते थे उससे मदद मिल जाती थी, तो वेट भी थे उस टाइम में। ठीक है, स्टोन ब्लेड्स यानी किसी स्टोन से बहुत ही पैना पत्थर तोड़ दिया और फिर उसका यूज किया अंटिंग वगैरह किसी और चीज में। बेक्ड ब्रिक्स यानी कि जो ब्रिक्स फुल्ली बेक्ड हो, फुल्ली बेक्ड फ्रॉम इनसाइड, यानी कि बिल्कुल अंदर तक एक एक कोना उसका फुल्ली बेक्ड हो, ऐसी ब्रिक। ये ऐसी ब्रिक अभी तक साइंटिस्ट तक भी नहीं बना पाए हैं, साइंटिस्ट भी नहीं बना पाए हैं ऐसी ब्रिक्स, और ऐसी ब्रिक्स हरप्पन कल्चर के लोगों ने बना दी थी, जो कि आज तक एक मिस्ट्री है कि भाई कैसे बनाई थी, हमें कुछ नहीं पता इनके बारे में। ठीक है, फिर हमें हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताया जाता है। हरप्पन सिविलाइजेशन का नाम हरप्पन सिविलाइजेशन इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी जो फर्स्ट साइट डिस्कवर हुई थी, आर्कियोलॉजिस्ट ने जो इसकी फर्स्ट साइट डिस्कवर की थी उसका नाम था हरप्पा। वैसे इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्योंकि इंडस रिवर के आसपास बसी थी, लेकिन हरप्पन सिविलाइजेशन इसलिए पड़ा क्योंकि फर्स्ट साइट जो डिस्कवर हुई थी इसकी वो थी हरप्पा। ठीक है, अब इसकी डेटिंग की गई और इसकी डेटिंग निकल के आती है 2600 से लेके 1900 BCE बिफोर करंट एरा। फिर उसके बाद हमें कल्चर्स के बारे में बताया गया है कि मेनली हरप्पा जो रीजन था या फिर जितना भी हरप्पन सिविलाइजेशन का एरिया था उसमें थ्री कल्चर्स थे। पहला था अर्ली कल्चर, दूसरा था मैच्योर कल्चर, तीसरा था लेट कल्चर। अर्ली हरप्पन कल्चर, मैच्योर हरप्पन कल्चर और लेट हरप्पन कल्चर। अर्ली हरप्पन कल्चर की टाइमिंग थी 3300 से लेके 2600 BCE, मैच्योर हरप्पन की 2600 से लेके 1900 BCE और लेट हरप्पन की 1900 से लेके 1300 BCE। तो ये टाइमिंग थी इन तीनों कल्चर की, और इनमें सबसे ज्यादा डेवलप्ड कल्चर यानी कि जिसकी हम मेनली चैप्टर में बात करेंगे वो था मैच्योर हरप्पन कल्चर। इसी में सारी जो पीक होता है सिविलाइजेशन का वो पहुंचा, इसीलिए इसको बोला जाता है हरप्पन सिविलाइजेशन टाइम पीरियड, और इसलिए इसे मैच्योर हरप्पन कल्चर भी कहा जाता है। ठीक है, और अर्ली हरप्पन कल्चर इससे पहले का था जहाँ पे धीरे धीरे जो इनका कल्चर वो बनना शुरू हुआ। लेट हरप्पन कल्चर वो है जहाँ पे धीरे धीरे इनका कल्चर खत्म होने शुरू हुआ। ठीक है, जब ये पीक पे पहुंच गए थे उसे बोल जाते हैं मैच्योर हरप्पन कल्चर। ओके, फिर उसके बाद इस बुक में कुछ एब्रीविएशंस यूज हुए हैं, एब्रीविएशंस यानी कि शॉर्ट फॉर्म। तो इसमें दिए गए साइड में एक है बीपी, बीपी की फुल फॉर्म है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि अगर ऐसे लिखा जाए 2 BP, यानी कि उसका कहना है 2 साल प्रेजेंट से पहले, यानी कि फिलहाल 2023 चल रही है तो इससे 2 साल मैंने इसको 2021 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ऐसे ही 200 साल कहा जाए 200 बीपी तो 1823 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1823 की। तो ऐसे इस एब्रीविएशन में बीपी है, और एक दूसरा है सी फुल स्टॉप, स्मॉल सी और फुल स्टॉप, इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेट, यानी कि ऐसा सेंटेंस आ जाएगी देर वॉज अ वेरी डिवास्टेटिंग वॉर
फाइटिंग वॉर एंड इट कॉज्ड सो मच कैजुअलिटीज, यानी कि बहुत सारी डेथ हो गई उसकी वजह से. फिर लिखा जाए सी डॉट 10,000, 10,000 पीपल डाइड. तो इसमें सी डॉट का मतलब अप्रोक्सीमेटली 10,000 पीपल डाइड, ठीक है. तो ऐसे दो एब्रीविएशन दिए गए थे एनसीईआरटी में, सी डॉट जिसका मतलब अप्रोक्सीमेट और एक बीपी जिसका मतलब बिफोर प्रेजेंट, ठीक है. तो इंट्रोडक्शन में इतना ही एनसीईआरटी में दिया गया है. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इस वीडियो में जितना ही पढ़ा है उसके नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना. थैंक यू.